अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 24 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये जरा बता दीजिए आपको क्लियर नजर आ रहा है या थोड़ा सा इसको जूम कर लें। हम नजर नहीं आ रहा। आप बता दें क्लियर है? थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं 24 क्वेश्चन को। x4 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस सिक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। हमारे पास ये इन्वर्स इक्वेशन की फॉर्म में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीअरेंज करेंगे, उसके बाद इसको हम x4 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस सिक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x4 इज इक्वल टू 0 रीअरेंज करते हैं हम। x4 प्लस 1 बाय x4 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x4 प्लस 1 बाय x4 माइनस सिक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को इज इक्वल टू वाई के एन अदर वेरिएबल हम चूज कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज वी हैव फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एक्स वेरिएबल एंड डायरेक्टली वी कैन नॉट कैलकुलेट द वेरिएबल एक्स। सो वी अज्यूम और वी लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। If we take square both side is equal to y square. If we open whole square, x4 1 by x4 plus 2 is equal to y square. x4 plus 1 by x4 is equal to y square minus 2. Then we put all these values in equation 1. Then 1 become y square minus 2 minus 6y plus 10 is equal to 0. Rearranging y square minus 6y minus 2y plus 10 is equal to 8 is equal to 0. Y square, then we get a pair 4y minus 2y plus 8. We should factorize y square minus 6y plus 8. This pair becomes minus 4y minus 2y. If we add up minus 4 minus 2y minus 6y, if we multiply 8y square, taking y common, y minus 4 minus 2 taking common, y minus 4 is equal to 0. Y minus 2 y minus 4 is equal to 0. Y, we can write y minus 2 is equal to 0 or y minus 4 is equal to 0. Then y result become y is equal to 2, y result get y is equal to 4. We have solved these quadratic equation and get the result of y. Already we have assumed x variable is equal to yk. Then we put the values in this form and get the result of x. एक्स केयर प्लस 1 by x square is equal to y. We put the value of y is equal to 2 in above equation. X square plus 1 by x square is equal to 2. Both side multiply by x square. X4 plus 1 is equal to 2x square. X4 minus 2x square plus 1 is equal to 0. Again, this is in the form of biquadratic form or x4 form. Hopefully अब क्लियर नजर आ रहा है. Now we put these values in quadratic formula. A is equal to 1, B is equal to -2, C is equal to 1. X square is equal to -b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. देखिए हमारे पास ये x की 4 पावर में है. अब डायरेक्टली इसके हम पेयर्स नहीं बना सकते. हम इसके पेयर्स बना लेते हैं. इस फॉर्म के अंदर पेयर्स बन सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका हमने होल पावर की फॉर्म में लिख दिया. एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बोथ साइड हम स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0 अंडर रूट. स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बोथ साइड अंडर रूट ले लेते हैं हम. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब एक सोल्यूशन आ गया हमारे पास x का प्लस माइनस 1. अब हम दूसरा इसका सोल्यूशन गेट अप करते हैं. यहाँ से y इज इक्वल टू 4 पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर को x4 बन जाएगा. यहाँ पे 1 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर 4x स्क्वायर. x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं. अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता तब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे. यहाँ पर x4 माइनस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें. 1 आना चाहिए, एडअप करें 4 आना चाहिए. तो इसके पेयर्स नहीं बन सकते. फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है. When factorization is not possible, then we use quadratic formula. X square whole square minus 4x square plus 1 is equal to 0. No, this is the form of quadratic equation in the form of x square. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन सकती है अगर हम वेरिएबल यहाँ पर चूज कर लें. कौन सा? एक्स स्क्वायर. जनरली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर के वेरिएबल को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले रहे हैं तो हम उसका फार्मूला यूं लिखेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ठीक है. अदरवाइज अगर यहाँ पर आप वेरिएबल चूज कर लेते हैं कोई और दूसरा x4 में है, जैसे हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.1 के अंदर 4.2 के कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी डिस्कस किया है. आप उस तरीके से करना चाहें आपकी मर्जी है. अगर आप उस तरीके से नहीं करते डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा. वैल्यूज हम पुट करते हैं. ए की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास -4, और c की वैल्यू हमारे पास 1। अब ये वैल्यूज इस फार्मूले में हम पुट करते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। स्पेस व्हाइट बोर्ड की कम हो गई है तो मेरे ख्याल में स्टार्ट से इसको रेज कर देना चाहिए ताकि हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉसिबल हो सके। स्टार्ट से हम रेज करते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -4, प्लस -4 होल स्क्वायर -4 ए की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1 +4 ±16 -4 डिवाइडेड बाय 2 is equal to x square 4 plus minus so x square और प्लस माइनस 12 को फैक्टराइज करते हैं, रूट से बाहर ले आते हैं, हमारे पास 2 आ जाएगा अंडर डिवाइडेड बाय 2 देन वो ±3 डिवाइडेड बाय 2 we have taken common 2 cancel out 2 ±√3 is equal to x square again we have solved the result of x then we take under root both side x is equal to 2 ±√3 ये हमारे पास एक x का solution आ जाता है। Then we write the solution set of all this question. First of all, result we have calculated ±1, 2 ±√3 whole √ this is the result of question number 24. Students, any problem about this question? You can comment. I am trying to hold whiteboard. You can see. This exercise has been wind up. Next exercise 4.3 we are going to solve students already you are discussed this exercise in 10th class same this exercise 1.4 hopefully you can easily solve this exercise. In this exercise, question number 2 are included in smart syllabus. x2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 3 अंडर रूट 2x2 माइनस 3x प्लस 2 x2 माइनस x बाय 2 माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 3 अंडर रूट 2x2 माइनस 3x प्लस 2। ये आपके पास सवाल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज का। एक्स स्क्वायर जी स्टूडेंट्स जमान अली अपना माइक म्यूट कर दे। जमान अली अपना माइक म्यूट कर दे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये टर्म आपके पास फ्रैक्शन में मौजूद है x ओवर 2, तो सबसे पहले हम 2 को कैंसिल कर देते हैं, होल साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, x को 2 से मल्टीप्लाई करें 2x, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ अंडर रूट से पहले 3 है, इट मींस अंडर रूट का कोफिशिएंट 3 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 हमारे पास बन जाएगा। रीअरेंजिंग कर लेते हैं इसे, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 14 माइनस 2x, पॉजिटिव 2x इस साइड पे आ जाए, नेगेटिव 2x इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। Here we cannot directly calculate the variable x because in this form under root and left side is without an under root form, so we assume or we let variable the same term. हम यहाँ पर डायरेक्टली इसका सोल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक तो हमारे पास अंडर रूट मौजूद है एक साइड पे, दूसरी साइड पे अंडर रूट मौजूद नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बन रही यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली सारी इक्वेशन की, तो हम ट्राई करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म जो है, एक अंडर रूट के अंदर और दूसरी अंडर रूट से बाहर जो है, इनके अंदर दो टर्म जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे। कौन सी दो टर्म सेम है? 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये सेम है हमारे पास, इसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, वाई के इक्वल, तो हम पुट करते हैं y की वैल्यू इसके अंदर, y माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट 6y प्लस 2 इस सर्कल, और इस सर्कल की जगह पर हमने y पुट कर दिया क्योंकि ये हमारे पास ये दोनों टर्म सेम है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह की बन गई है, y माइनस 14 माइनस 6 अंडर रूट y प्लस 2। Y minus 14 is equal to minus 6 under root y plus 2. So we take both sides square. Y minus 14 whole square is equal to minus 6 under root y plus 2 whole square. ओपन दिस होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 28y 14 196 is equal to positive 36 y plus 1, y plus 2, y square minus 28y plus 196, 36y 72. 36 को अंडर ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल्स थे हमने उनसे मल्टीप्लाई कर लिया, y प्लस 2 से 36 को मल्टीप्लाई किया, 36y आ गया हमारे पास 72y। वाई स्क्वायर रीअरेंज कर लेते हैं हम, माइनस 28y माइनस 36y 5 plus 196 minus 72 is equal to 0. Y square minus 64y plus 124 is equal to 0. So we get the factorize these quadratic equation minus 62y minus 2y plus 124 is equal to 0. व्हाइटबोर्ड मौजूद है हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा जूम कर ले आपको ताकि नजर आ जाए। y square minus 62y minus 2y minus 124 is equal to 0. इस पेयर में से y कॉमन ले लेते हैं, y minus 62 रिमाइंडर हो जाएगा, इसमें से minus 2 कॉमन ले लेते हैं, इस पेयर में से y minus 62 is equal to 0. y minus 62 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर y बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वी कैन से y माइनस 62 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 62, y इज इक्वल टू 2। वी पुट दिस y सोल्यूशन इन द ऑलरेडी अज्यूम इक्वेशन, जो कि हमने फर्ज की थी पहले, उस इक्वेशन के अंदर हम इसका रिजल्ट पुट करते हैं। 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू y था, तो हम y का सोल्यूशन पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 62। 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 62। 2x² माइनस 3x माइनस 62 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है x के ऊपर, तो हम इसका सॉल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी y की वैल्यूज पुट करेंगे, वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। यहाँ से हमने एक्सट्रीनियस रूट निकालने थे, तो सबसे पहले हम x की वैल्यूज निकालते हैं और उसके बाद एक्सट्रीनियस रूट निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा व्हाइट बोर्ड पे, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा रेज कर देते हैं ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसमें से। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 62 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 आ जाती है, b की माइनस 3 आ जाती है, c की वैल्यू माइनस 62 आ जाती है। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस पी ये प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है -62 डिवाइडेड बाय 2a x। 3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, फोर 96 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास थी 2 या 4। 3 प्लस माइनस 405 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 405 को 505 को फैक्टराइज करने की ट्राई करते हैं। 505 डिवाइडेड बाय 4, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास x का रिजल्ट आ जाता है 3 प्लस माइनस अंडररूट 505 ओवर 4। सिमिलरली हम सोल्यूशन निकालते हैं, हमारे पास था y इज इक्वल टू 2 के 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई हमने लेट किया था, और y की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, हमारे पास पॉसिबल है इसकी माइनस 4x प्लस 1 माइनस प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं x माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। We can write 2x plus 1 is equal to 0. x is equal to minus 1 by 2, or x minus 2 is equal to 0. x is equal to 2. हमने x के solution calculate कर लिए हैं। यहाँ तक तो हमने जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में इक्वेशन दी गई थी उसका हमने सोल्यूशन कैलकुलेट किया और एक्स के रिजल्ट आ गए। अब हमने एक्सट्रीनियस रूट्स निकालने हैं। ऑलरेडी आप लोग डिस्कस करके आए हैं रूट्स क्या होते हैं और एक्सट्रीनियस रूट्स क्या होते हैं, उसी के मुतालिक हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं स्टार्ट में बताता तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्लियर ना होता, मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम एक्सट्रीनियस रूट्स निकालने वाले हैं। एक्सट्रीनियस रूट्स के लिए मैं एक सादा सी मिसाल लेता हूं। कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, सपोज मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हम इसके पेयर्स बनाते हैं और इसके रूट्स आ जाते हैं हमारे पास प्लस 3 और x इज इक्वल टू आ जाता है -2। ये हमारे पास रूट्स आ जाते हैं, तो हम वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये दोनों रूट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे अंडर रूट की फॉर्म के अंदर, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो यहाँ से हम x के रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। सपोज उसका रिजल्ट आ जाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, 1 आ जाता है, -3 आ जाता है। तो हम ये वैल्यूज जो होंगी इसकी इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में होंगी, स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे और वो रिजल्ट जो है इस रूट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये रूट्स जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई से मुराद ये होगा कि हम x की वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड आ जाए हमारे पास राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे ये हमारे पास ये सेट जो होंगे इस इक्वेशन के, हम इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाए आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास इसके अलावा कुछ ऐसे आंसर भी होंगे, हम सपोज कह देते हैं x इज इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाता है। ये सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रीनियस रूट होगा, जो कि एक्सट्रीनियस रूट्स ऐसा रूट्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 है, तो हम इसके सॉल्यूशन सेट के अंदर हम इसको एक्सट्रीनियस रूट्स के अंदर उसको शामिल कर देंगे कि हमने इस सारे सवाल को हल करने के बाद हमने जो सॉल्यूशन सेट निकालना था वो एक्सट्रीनियस रूट्स का निकालना था। एक्सट्रीनियस रूट्स वो होते हैं जो इस इक्वेशन में x की वैल्यूज को पुट करें और उसमें लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल ना आए, तो हम उन तमाम के सॉल्यूशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। दोबारा मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि अब यहाँ से यहाँ तक हमने सवाल हल कर लिया, एक x की वैल्यू ये आ गई, एक x की ये आ गई, दूसरी वैल्यू x की ये आ गई, ये चार वैल्यूज हैं हमारे पास x की। हम इसको जो इक्वेशन हमने स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन जो है सॉल्व की थी उसमें पुट करेंगे। उसमें पुट करने के बाद इसके अंदर जो रूट्स जो होंगे वो लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल कर देंगे, वो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स नहीं होंगे। और जो इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव नहीं करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक्सट्रीनियस रूट्स होंगे, और उसी को हम सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देंगे। टाइम खत्म होने वाला है, तो इसके एक्सट्रीनियस रूट्स जो है हम नेक्स्ट टाइम जो है इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके एक्सट्रीनियस रूट्स को चेक करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड और रूट राइट साइड कौन से इज इक्वल टू लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन से हमारे पास आते हैं और कौन से हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आती, तो हम इसको चेक करके बताएंगे कि हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स कौन से हैं। ठीक है, इसी के मुतालिक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको रिस्पॉन्स कर देता हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ये आगे इसके एक्सट्रीनियस रूट्स चार हैं और इसको निकालने के लिए टाइम बहुत ज्यादा दरकार है। एनी प्रॉब्लम? एक्सट्रीनियस रूट्स क्लियर हुआ है आपको? एक बच्चे की तरफ से नॉट का मैसेज आया है, चलिए मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। बच्चे आप यहाँ से हमने एक्स के रिजल्ट निकाले हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन था हमने लिखा था उसी के अंदर ये जो हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 माइनस 7 इक्वल टू एक्स माइनस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x और हमारे पास था यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज माइनस 1/2 इसके अंदर पुट करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ से अगर इक्वल आ जाते हैं तो ठीक है। अगर हमारे पास जिस पार्ट का हम कहते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड x की वैल्यू पुट करने से इक्वल नहीं आ रहे बस, तो हमारे पास क्या होंगे, एक्सट्रीनियस रूट्स होंगे, वो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स होंगे। जो आ जाएंगे वो हमारे पास लेफ्ट और राइट जिनके इक्वल आएंगे वो एक्सट्रीनियस रूट्स नहीं होंगे, और जिनके ऊपर जिन एक्स की वैल्यूज के ऊपर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आते वो हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स होंगे हमारे। आप लोगों ने इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू आ गई है आपके पास, इस एक्स की वैल्यू भी आ गई है, ये 4x की वैल्यूज हैं, एक्स की 4 रूट्स हमने निकाले हैं। इन 4 रूट्स को हमने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जिसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था उसी के अंदर पुट करेंगे। अगर आपके पास लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाते हैं तो वो एक्सट्रीनियस रूट्स नहीं होंगे, और जहां पर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आते वो आपके पास एक्सट्रीनियस रूट्स होंगे। एनी प्रॉब्लम? वाह उस्ताद, हिरन ना खून की थी बैठी शादी आवाज कहनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, और इन तमाम क्वेश्चंस को जो 4.2 के हमने सॉल्व किए हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा, और 4.3 को भी ट्राई कीजिएगा। ऑलरेडी आप 10th क्लास में तमाम सवाल को हल करके आए हैं, अगर आप हल करके आएंगे तो 4.3 मेरे ख्याल में आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको जो प्रॉब्लम होंगी वो डिस्कस कर दूंगा। और अगर आप करके आएंगे सारी एक्सरसाइज 4.3 की तो हम 4.4 को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस मूव नहीं कर रहा, हम स्लो चल रहे हैं। आप ट्राई करेंगे, क्योंकि वर्क आप लोगों ने करना है, मैंने आपको सिर्फ गाइड करना है। यहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लाइव क्लास होती है तो उसके अंदर आसानी से एक पॉइंट को क्लियर कर लेते थे हम, और बाकी तमाम चीजें आप सॉल्व कर लेते थे। तो आप ट्राई करें तो हम कम से कम टाइम लेकर ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सर। हमको के देना है बात मेज पर चले ही खड़े। Gracias.